वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात मामलात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खसूसी इजलास आज होगा। कौमी असेंबली की पेशगी मंजूरी के बगैर फंड जारी करने के अदालती अहकाम का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑडिटर जनरल वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी तलब। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का वन पॉइंट एजेंडा। जमात इस्लामी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला था। एक इंसाफ को मई के बाद और हुकूमत को अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने पर राजी किया जाएगा। पीडीएम और पीपल्स पार्टी कुर्बानी डे। कौमी और दो सूबाई असम्बलियां तहलील कर दे। सिराजुल हक की तजवीज। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की सरबराही में मुजाकराती कमेटी तश्कील दे दी। और करंगी कराची में चार डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक हलाक, तीन भाग गए। न्यू सब्जी मंडी के करीब वैदा पुलिस मुकाबला, दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जव्वाद कमाल। हेडलाइंस आप तो जानिए, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रमजान का समा। देखते रहिए समा।